तो मुझे समझ नहीं आती बाकी भी कोर्ट्स हैं, बाकियों के अंदर भी डेकोरम रखना और वो हमारी जिम्मेदारी होती है जो हम रखते भी हैं। ये जज साहब जो है इनको आई डोंट नो, मैं जज साहब है उनका एहतराम करती हूँ बहुत, लेकिन ये मार्शल लॉ कोर्स नहीं है और ये कोई बंद इन कैमरा सेशन नहीं हो रहा कि जहां पर आप मैं पार्टी की तर्जुमान भी हूं, मैं MPA भी हूं, मैं लाहौर हाई कोर्ट की लॉयर भी हूं, उसके बावजूद जज साहब का ये तरीकाकार जो है और एक डिक्टेटर, जज साहब को डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए, जज साहब जज साहब रहे उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन डिक्टेटर ना बने और ओपन कोर्ट्स को ओपन कोर्ट्स रहने दें, ये मार्शल लॉ कोर्स नहीं है और ना अंदर जो है वो मार्शल लॉ का ट्रायल हो रहा है। खुसूसी नजर आ रहे हैं शहबाज गिल की पेशी भी है, आपके कारकुन वाहिद जो है वो जख्मी भी हुआ है, क्या कहती है कि क्या ये शहबाज गिल की पेशी की वजह से? अब पता चला मुझे कि ये हालात ऐसे क्यों है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज चीता आ रहा है उनका, टाइगर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो होना ही बाहर चाहिए, जज साहब की बड़ी मेहरबानी है जी, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, अब चलते हैं जी। गिल साहब ने गिल साहब इस कोर्ट में नहीं आ रहे, जिस कोर्ट में भी आ रहे हैं लेकिन गिल साहब को हिम्मत है ना सामने के दरवाजे से आए। पिछली दफा भी गिल साहब ने बड़ा चूहों वाला काम किया था, ऐसे पीछे किसी जजों के दरवाजे से किसी से जो है वो एंटर होके अंदर आए थे। तो आप तो पॉपुलर बहुत है, आपकी हिम्मत बड़ी अच्छी है, आप काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, तो काम अच्छे कर रहे हो तो भाई सीधे दरवाजे से आओ ना, हम इंतजार कर रहे हैं। और अब मुझे जज साहब से कोई गिला नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बात किया। MPA के ऊपर आपके जो है वो FIR दर्ज हुई है? MPA नहीं है वो, अच्छा कारकुन है। आज आपके कारकुन जख्मी हुए हैं तो क्या आप उनके हवाले से? मैं बड़ा कैटेगोरिकली पुलिस के जो हमारे अफसरान हैं, DSP साहब भी खड़े थे, दो DSP थे, उनको मैं कह के आई हूँ, सियासी लड़ाई है और हमें बुजदार साहब से इमरान खान से सियासी लड़ाई लड़ने थे, पुलिस का कोई काम नहीं है कि वो उसके अंदर फ्रीक है। मुझे समझ नहीं आती बाकी भी कोर्ट्स हैं, बाकियों के अंदर भी डेकोरम रखना और वो हमारी जिम्मेदारी होती है जो हम रखते भी हैं। ये जज साहब जो है इनको आई डोंट नो, मैं जज साहब है उनका एहतराम करती हूँ बहुत, लेकिन ये मार्शल लॉ कोर्स नहीं है और ये कोई बंद इन कैमरा सेशन नहीं हो रहा कि जहां पर आप मैं पार्टी की तर्जुमान भी हूं, मैं MPA भी हूं, मैं लाहौर हाई कोर्ट की लॉयर भी हूं, उसके बावजूद जज साहब का ये तरीकाकार जो है और एक डिक्टेटर, जज साहब को डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए, जज साहब रहे उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन डिक्टेटर ना बने और ओपन कोर्ट्स को ओपन कोर्ट्स रहने दें, ये मार्शल लॉ कोर्स नहीं है और ना अंदर जो है वो मार्शल लॉ का ट्रायल हो रहा है। खुसूसी नजर आ रहे हैं शहबाज गिल की पेशी भी है, आपके कारकुन वाहिद जो है वो जख्मी भी हुआ है, क्या कहती है कि क्या ये शहबाज गिल की पेशी की वजह से? अब पता चला मुझे कि ये हालात ऐसे क्यों है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज चीता आ रहा है उनका, टाइगर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो होना ही बाहर चाहिए, जज साहब की बड़ी मेहरबानी है जी, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, अब चलते हैं जी। गिल साहब ने इस कोर्ट में नहीं आ रहे, जिस कोर्ट में भी आ रहे हैं लेकिन गिल साहब को हिम्मत है ना सामने के दरवाजे से आए। पिछली दफा भी गिल साहब ने बड़ा चूहों वाला काम किया था, ऐसे पीछे किसी जजों के दरवाजे से किसी से जो है वो एंटर होके अंदर आए थे। तो आप तो पॉपुलर बहुत है, आपकी हिम्मत बड़ी अच्छी है, आप काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, तो काम अच्छे कर रहे हो तो भाई सीधे दरवाजे से आओ ना, हम इंतजार कर रहे हैं। और अब मुझे जज साहब से कोई गिला नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बात किया। MPA के ऊपर आपके जो है वो FIR दर्ज हुई है? MPA नहीं है वो, अच्छा कारकुन है। आज आपके कारकुन जख्मी हुए हैं तो क्या आप उनके हवाले से? मैं बड़ा कैटेगोरिकली पुलिस के जो हमारे अफसरान हैं, DSP साहब भी खड़े थे, दो DSP थे, उनको मैं कह के आई हूँ, सियासी लड़ाई है और हमें बुजदार साहब से इमरान खान से सियासी लड़ाई लड़ने थे, पुलिस का कोई काम नहीं है कि वो उसके अंदर फ्री। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।